वालेकुम नाज़रीन, अवाम तक रसाई प्रोग्राम में हम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम इस्लामाबाद पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर फैशन के हवाले से एक शो का इनेकाद किया गया है। यहां पर लोगों सेलिब्रिटी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और इस तरह के फैशन शोज़ का इनेकाद पाकिस्तान में होना चाहिए या इस्लामाबाद में या मुल्की हालात के हवाले से भी यहाँ होना चाहिए या नहीं। लग रहा है आपको यहाँ पे? एक्चुअली हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक्सटेंशंस और क्यूने के हवाले से हमने स्पॉन्सर किए। हमें ये अच्छा लग रहा है कि बगैर डाई किए लाइक डिफरेंट ट्रेंड्स दिए जा सकते हैं डिफरेंट हेयर एक्सटेंशन से, और अलॉन्ग विद द लाइक न्यू ट्रेंड्स इन फैशन लाइक इन क्लोथ्स वी कैन गिव न्यू ट्रेंड्स हेयर स्टाइलिंग एज वेल। इट्स रियली नाइस। आपको मज़ा आ रहा है? जी। आप क्या चाहती हैं मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हालात क्योंकि ठीक नहीं है, आप क्या समझती हैं कि यहाँ पर इस तरह के फैशन शोज अगर होते हैं तो उसमें कोई डर खतरा तो नहीं है? नहीं, डर खतरा तो हम लोग चूँकि पाकिस्तान में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आज के इवेंट में और इतनी गैदरिंग देखे ना, एक उम्मीद का एहसास हुआ है कि मज़ा आ रहा है इतने लोगों को देखे कि लोग इंटरटेनमेंट चाहते हैं, लोग फैशन इंडस्ट्री से अवेयरनेस चाहते हैं और वो आए हैं और उन्होंने आगे साबित किया है कि कुछ भी हो लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को ज़िंदा रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा लग रहा है? इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, क्या कहेंगे इसके बारे में? We are here to support our students from Accra University and their show here, but it's a good initiative by the organizers. That, and I think more of these shows should be conducted in Islamabad so that we can see the trend in Islamabad as well. मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं है हमारे मुल्क में, तो क्या कहेंगे कि इस तरह के शोज होने चाहिए? मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी सिक्योर है एंड इस तरह की और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना अबाउट थिंग्स, सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी इसके बारे में? बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में होने चाहिए ऐसे इवेंट्स, लोगों के लिए टेंशन रिलीज हो गए, बंदे इंजॉय करें। बहुत अच्छा आपका शो है, बड़ी एफर्ट है, बड़े लोगों की मेहनत है और मेरे ख्याल में हमने बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के हालात कुछ बेहतर नहीं है, क्या कहेंगी कि इस तरह के शोज होने चाहिए? क्यों नहीं होने चाहिए, सिक्योरिटी बहुत है, मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई हैज़र्ड नहीं है यहाँ, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। ये बताएंगे कि इस तरह के जो शोज़ इसके बारे में कुछ बताएँ? इस तरह के शोज़ इस्लामाबाद वैसे तो फैशन इंडस्ट्री में बहुत नीचे है, लेकिन इस्लामाबाद फैशन वीक जब आ जाता है इस्लामाबाद में, फिर पता चलता है कि इस्लामाबाद में भी टैलेंट है, डिज़ाइनर्स अच्छे हैं, ऑर्गेनाइजर्स अच्छे हैं, तो एक दफ़ा बूम मिल जाता है इस्लामाबाद को। अच्छा, मुझे ये बताइए सिक्योरिटी के हालात क्योंकि बेहतर नहीं है, आप क्या समझते हैं कि ऐसे शोज़ जो हैं वो सिक्योर होते हैं? सिक्योरिटी तो खैर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, लेकिन ये है कि इवेंट्स वगैरह होते हैं तो इससे ये होता है कि लोग जो डिप्रेस्ड हैं ओवरऑल सिक्योरिटी की वजह से, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं इस इवेंट्स की वजह से। मेरा ख्याल होने चाहिए इवेंट्स वगैरह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आई थिंक इट्स अ गुड एक्टिविटी फॉर इस्लामाबाद एंड इस्लामाबाद पीपल। हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं ज़िंदगी में, वी आर हैविंग अ टफ टाइम्स एज ए कंट्री एज ए नेशन नाउ डेज, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है टू एंटरटेन द पीपल टू गेट टू नो अबाउट द फैशन, और दुनिया में लोग इसको इंडस्ट्री के तौर पर लेते हैं, हम शायद अब तक इसको इंडस्ट्री बना नहीं सके लेकिन ज़रूर कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड एक्टिविटी एंड इट्स अ गुड एफर्ट रादर। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को क्या कहें? देखें, दुनिया में जितने भी मुल्क तरक्की करें उसमें बेसिकली अगर मीडिया इन्वॉल्वमेंट ना हो
तो हम आज बताइएगा सिक्योरिटी के आजकल हालात हमारे मुल्क में ठीक नहीं है, तो ये इस तरह के जो फैशन वीक्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, क्या ये सिक्योर हैं आपके ख्याल में? जी होने चाहिए ये फैशन वीक्स और सब इवेंट्स जो होने चाहिए, इस तरह तो लोग घरों में बंद होकर बैठ जाएंगे। और सिक्योरिटी थ्रेट तो अब ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो आप इससे बच नहीं सकते, इसको आप थोड़ा केयर कर सकते करके अपनी फंक्शंस आप अरेंज करें। ठीक है, बहुत थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निमरा खान और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। आई एम अ होस्ट ऑन ATV एज वेल, और आज मुझे इस इवेंट पे आके काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज़ दोबारा से एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है इस्लामाबाद सिटी में, और काफ़ी फैशन शोज़ हो रहे हैं। लास्ट वीक भी काफ़ी अच्छे फैशन शोज़ थे, तो आई गेस कि हम डिज़ाइनर्स को वो प्लेटफॉर्म दोबारा से मिल रहा है कि हम फिर से एक यू नो अपनी कलेक्शंस शो कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि नेक्स्ट सीज़न कौन से ट्रेंड्स आजकल इन हैं और कौन से आउट हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम पे सिक्योरिटी के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं हैं, और शायद पहले ये जो फैशन शोज़ थे वो स्टॉप इसी वजह से हो गए थे क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं थे, अभी आप क्या समझ रही हैं कि सिक्योरिटी के हालात ठीक हैं तो ये फैशन शोज़ के आगे कंटिन्यू होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए, बिकॉज आई गेस पहले से तो अब बेटर हैं जो हालात हैं, और आई गेस लोग भी इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें आके फैशन शोज़ को देखना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, सो आई गेस ये इस बात की निशानी है कि अब दोबारा से फैशन शोज की रिवाइवल हो रहा है इस्लामाबाद में। इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, आई एम अनुषा आमिर फ्रॉम निकीशे एंड वी वर हियर पार्टिसिपेटिंग इन IFW एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज अमेजिंग। आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट वाज अमेजिंग गाइस, यू शुड हैव बीन हियर, यू गाइस आर मिसिंग आउट ऑन द बेस्ट थिंग